नमस्कार विवर्स, नए ठेकेदार नगर पालिका के ठेके के विज्ञापन कहाँ देखें? जी हाँ सज्जनों, बहुत से ऐसे नए ठेकेदार हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें नगर पालिका में यदि कोई कॉन्टैक्ट निकलते हैं, ठेके निकलते हैं, तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। नवयुक्त मित्रों, मैं आपको कहूँगा, आप यदि किसी भी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसकी बिजनेस की गहराइयों को आपको समझना पड़ेगा, और यदि आप ठेकेदारी में हैं तो आपको ठेकेदारी में कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट निकलते हैं इसकी जानकारी के लिए मैं तरीके बताता हूँ। सामान्यतया सभी विभागों में यही तरीके अपनाए जाते हैं और नगर पालिका में भी यही तरीका अपनाया जाता है, जिसमें से पहला तरीका होता है जो ही कोई NIT निकलती है, NIT का मतलब है जो टेंडर का नोटिफिकेशन जो निकलता है, वो नोटिफिकेशन बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यालय होता है और कार्यालय में एक बोर्ड लिख होता है, उस बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता है, लेटर बना करके चिपकाया जाता है, ताकि हर आने जाने वाले को या हर जरूरतमंद को वो नोटिस बोर्ड पर वो NIT है वो प्रकाशित होती है, उसका लेटर चिपकाया जाता है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। यदि आप नगर पालिका में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी विभाग में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो विभाग आपके पास NIT का लेटर डायरेक्ट डाक के द्वारा आपके घर पहुंचाता है, ये भी ज़्यादातर जगह में होता है। और यदि ऐसा भी नहीं होता है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पर जाइए। जैसे नगर पालिका में आपको विज्ञापन देखना है कि नगर पालिका ने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं, तो उनकी वेबसाइट पर जाइए। हर कंपनी अपनी वेबसाइट पर, हर डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी जो भी NIT निकालते हैं उसका विज्ञापन जरूर लगाते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको। और उसके बाद में यदि आपने जिस विभाग में आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो आपके ईमेल पर भी मैसेज आ जाता है और वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, हर जो भी डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है उस टेंडर की निविदा को कम से कम 5 से 7 अखबारों में विज्ञापित किया जाता है। वो अखबार, दो अखबार कम से कम, दो लोकल अखबार होते हैं। जैसे नगर पालिका मामला है तो नगर पालिका के मामले में डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेडक्वार्टर के 2 अखबारों में जरूर होता है, उसके बाद में स्टेट के 2 अखबारों में जरूर होता है, और यदि टेंडर बहुत बड़ा है तो फिर अदर स्टेट के अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाता है। सज्जनों, यदि आपको इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए, ठेकेदारी के मामले में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर YouTube पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन मैं एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम 7 बजे, यानी दोनों वीडियो सुबह और शाम 7-7 बजे होते हैं, वो ठेकेदारी से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन वो वीडियोस देख करके फायदा उठाइए और अपने बिजनेस को ग्रोथ दीजिए। सज्जनों, कई क्वेश्चन, कई व्यूवर्स ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनका जवाब मैं मेरे वीडियोस में देता हूँ, या तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए पूरा जब तक आप वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक आपके बिजनेस की सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। कई व्यूवर्स ऐसे पूछते हैं सर रेट कैसे निकाले जाते हैं, कई व्यूवर्स पूछते हैं सर जी शेड्यूल किसको कहते हैं, कई पूछते हैं SD किसको कहते हैं, कई व्यूवर्स ऐसे पूछते हैं अर्नेस्ट मनी किसको कहते हैं। सज्जनों, मेरे प्यारे नवयुग मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में जाने के लिए आपको उस बिजनेस की गहराइयों में जाना पड़ता है, पूरे वीडियो सुनने होते हैं। आप यदि ठेकेदार बनना चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियोज मैंने सैकड़ों की संख्या में अपनी चैनल पे वीडियोज लगा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को पढ़िए, सुनिए, एक एक वीडियोज को 2-2 बार पढ़िए, तब आपके सुनिए, आप तब समझ में आएगा कि इन बातों का जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूँ। हर जवाब एक वीडियो में देना संभव नहीं हो पाता है, आप समझ रहे हैं, 5-7 मिनट के वीडियोज में सारी बातें नहीं बतानी पड़ती। वीडियो जिस मकसद से बनाया गया है उसका मकसद पहले पूरा किया जाता है और लास्ट में ये सब बातें बताता हूँ। तब तक आप 3 मिनट वीडियो सुन के
चैनल छोड़ जाते हैं। अब बताइए मेरा कहाँ दोष है इसमें? जब तक आप पूरी चैनल पूरे वीडियोस को नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। मित्रों मेरे से बहुत छोटी उम्र के हैं आप और तजुर्बेदार आदमी की बातों सुनने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तक आपको मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप गहराई से नहीं सुनेंगे, हर बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आपके सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरे वीडियोस को सुनिए, तीसरे को सुनिए, चौथे को सुनिए। मैंने सैकड़ों वीडियोस अपलोड किए हैं। जब भी आपको थोड़ा सा फुर्सत मिलता है आप मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर खोल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से वीडियो सुनिए। सारी बातें उनमें बताई गई हैं, 99% बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यदि 1% बातें कहीं समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स लिख दीजिए। मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन या फुर्सत मिलते ही पहला वीडियो आपके कमेंट्स के बारे में जरूर दूंगा। टेलीफोन से बात करना मेरे लिए संभव नहीं होता क्योंकि हजारों नहीं लाखों की संख्या में अपने व्यूवर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं टेलीफोन से हर एक से बात नहीं कर सकता, और कर सकता हूं मगर इतना फुर्सत नहीं मिलती है। 70 के आसपास की उम्र का आदमी हूं, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, मुझे धार्मिक संस्थाओं में भी अपना काम करना पड़ता है और आप समझते हैं स्वास्थ्य के प्रति भी मुझे सावधान रहना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं टेलीफोन से बात करने में आपसे असमर्थ हूँ। यदि कभी मेरी ऐसी व्यवस्था बैठ जाएगी तो मैं टेलीफोन से भी बात आपसे करने के लिए कहीं कोई संकोच नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको अपने परिवार के सदस्यों के रूप में माना है। मेरा मोटो आपको नॉलेज देना है। मेरा इस चैनल को चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सबको नॉलेज देना है। दूसरे मकसद सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी मेरा पहला उद्देश्य है, वो आपसे रूबरू होने का मेरा मकसद है, आपका नॉलेज बढ़ाने का। सज्जनों वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे प्रतिदिन मिलना चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि आप मेरे में रुचि ले रहे हैं। नमस्कार।